रायबरेली गदागंज थाना क्षेत्र के माधवपुर नगर कुरैली निवासी शिवशंकर 50 वर्षीय पान व साथ में सब्जी की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। घटना दिनांक 29 मार्च रात 9 बजे की है। दुकान पर बिना नंबर प्लेट की एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खोलकर एक युवक बाहर उतरकर पान की दुकान चला रहे शिवशंकर से सिगरेट मांगी। इस पर जब दुकानदार ने सिगरेट का पैसा मांगा तो दबंग युवक ने गाली देते हुए सिगरेट का पैसा देने से मना कर दिया। दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो कार में बैठे कुछ लोग उसे मारने लगे। जिस मामले को लेकर पीड़ित थाने का चक्कर लगाता रहा लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है, कहां से आए हो? हमारा नाम शिवशंकर है, माधवनगर पुरवली बुटकर का रहने वाला हूं, थाना गदागंज तहसील जलमऊ। क्या है मामला आपका? मामला हमारी दुकान पे लोग आए जिनका नाम सचिन अग्निहोत्री है, साथ में नन्हे मौर्या की गाड़ी थी और सिगरेट मांगे। हमने सिगरेट दिया पैसा मांगने पर, और अन्यथा उनके साथ अन्य लोग भी थे। पैसा मांगे तो पैसा मांगने पर उन्होंने हमला किया और वाइफ के पैर पे गाड़ी चढ़ाया। वो गैंगस्टर टाइप के आदमी हैं सर दबंग, उनके नाम कई मुकदमे भी थाना में दर्ज हैं सर, और मुझे जान से मारने की धमकी दी और हमको डंडों से पीटा। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मुरैठी के रहने वाले हैं, सचिन अग्निहोत्री और नन्हे मौर्या जो नया प्रवाह के रहने वाले, वहीं गदागंज थाना लगता है, तहसील जलमऊ लगता है। अपने थाने पे इसकी शिकायत की है? सर हमने थाने में 7 दिन पहले ही शिकायत की और रोज थाने जाते थे, हमारी कोई सुनवाई वहाँ से ही नहीं हुई। तब आज हम आज यहाँ पर आ करके आप साहब के पास आ करके हमने रायबरेली में एसपी ऑफिस में आकर के अप्लीकेशन दर्ज कराया। उन्होंने कहा है जाओ बेटा तुम्हारा कल 10 बजे थाने से इंक्वायरी होगी।